नमस्कार भाइयों, मित्रों, प्यारे किसान साथियों, हाजिर हूँ मैं 20 सितंबर 2022 दिन मंगलवार। देशभर की समस्त मंडियों के भाव लेकर क्या रहा है आज आलू का भाव और क्या चले गए हैं आज मंडियां। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे मौसम के बारे में। मौसम का एकाएक दबाव का क्षेत्र दोबारा बन चुका है। ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो उत्तर प्रदेश के ऊपर बन चुका है, इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समूचे समस्त उत्तर भारत के मौसम की गतिविधियाँ अगले 48 घंटे में बदलने वाली हैं। तो आपसे निवेदन यही करेंगे, एक नया चैनल जो रचना जी ने शुरू किया है ट्विन क्रैकर्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़ावा दें, क्योंकि आपको इससे इस पर सबसे पहले सटीक सूचना मिलती है। क्योंकि ये G-SAT 21 से लॉन्च वो है, क्योंकि G-SAT जो है एक उपग्रह है और उपग्रह जो मौसम से रिलेटिव होता है उसी से ये चैनल सीधा संबंधित है। आपको 48 घंटे पहले इस पर जानकारी मिल जाएगी आपके क्षेत्र में बरसात है या नहीं है। तो सबसे पहले आज आप बात करेंगे इसके बाद में मंडी भाव की। तो आज जो है महाराष्ट्र मंडी में काफ़ी करंट देखने को मिला है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर मुंबई की मंडी की सबसे बात करते हैं तो आज 38 गाड़ियों की आवक हुई है। जहां पहले 60 गाड़ी थी, आज 38 गाड़ियों की आवक हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तो आज यहां कितना रुपए का उछाल आया। आज यहां 2 रुपए किलो का उछाल आया है और आज ये मंडी जो है 19 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो तक मुंबई की चली है। नागपुर की बात करें तो 2 रुपए किलो के उछाल के साथ आज मंडी खुली है। आज यहां 17.5 रुपए किलो से लेकर 19.5 रुपए किलो। सोलापुर की मंडी में भी आज 3 रुपए किलो का उछाल देखा गया है, 19 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो। कामठी की मंडी 2 रुपए का उछाल के 19 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो तक खुली है। मोर्सी की मंडी 18.5 रुपए किलो से लेकर 19.5 रुपए किलो। अमरावती की मंडी की बात करें तो यहां पर कुल टोटल 1 रुपए से लेकर 1.5 रुपए किलो की बढ़ोतरी अमरावती की मंडी में है। तो अमरावती की मंडी में 19 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो का बाजार है। पुणे में आज सीधा 2 रुपए किलो का उछाल आया है पूना की मंडी में। तो पूना में 19.5 रुपए किलो से लेकर 21.5 रुपए किलो का बाजार है। सतारा की मंडी की बात करें तो 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो। श्रीरामपुर की बात करें तो 21 से 22 रुपए किलो। अगर खड़की की मंडी की बात करें तो खड़की की मंडी में कोई उछाल नहीं है, इस कल जो रेट पर चली थी आज उसी रेट पर 15 से 16 रुपए किलो। अगर कल्याण की बात करें तो 20 से 21 रुपए किलो। वाई की मंडी की बात करें तो वाई की मंडी 22 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो तक यहां उछाल देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की सबसे पहले हम बात करेंगे हुबली की। तो यहां पर 2 रुपए किलो का सीधा उछाल हुबली की मंडी में है, जो कि कर्नाटक में है। यहां 20.5 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो का आज यहाँ बाजार चला है। बेलगावी की बात करें 21 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो। यशवंतपुरा की मंडी में 21 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो। चिकमंगलूर में 20 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो। बांगरपेट में 22 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो। और बेंगलुरु में 1 रुपए का उछाल आज देखने को मिला है। बेंगलुरु की मंडी में 19 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो का यह बाजार चला है। दौड़ दबल्लापुर में आज जो है बाजार चला है 20 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो तक। तो बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल में कलच्ची मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। त्रिपुरा में 26 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो। चेगन्नूर में आलू बिका है 20 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो। पंपाड़ी में 33 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। कोठा मंगलम में 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। तोड़ पूजा में 27 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो। कोटक्कल में 30 और 31 रुपए किलो। पटाम्बी में 30 रुपए से लेकर 31। मंजेरी की बात करें तो 27 से 28 रुपए। पलयालम में 23 से 25 रुपए। कायकुलम में 25 से 26 रुपए। कोटक्कारा में 26 रुपए किलो तक आलू बिका है। अगर बात कर लेते हैं किसान साथियों आपके बिहार में राजस्थान की, तो राजस्थान में आज जो है काफ़ी उतार चढ़ाव बढ़ा देगा है। कई मंडियां स्थिर हैं तो कई मंडियों में 2 से 3 रुपए किलो की बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे पहले स्थिर मंडियां देख लेते हैं जो आज 1 रुपया भी नहीं बढ़ी है। तो कोटा में 12.5 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो का बाजार चला है, जो कल भी था और आज भी है। बात कर लेते हैं उदयपुर में 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो। जालौर में 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो। अजमेर में 16 से 18, राजसमंद में 16 से 18, जयपुर में 16 से 18, जालौर में सोजत रोड में 18 रुपए किलो। अब बात कर लेते हैं जहां पर तेजी देखी गई है। तो अब पहले सबसे पहले आता है भरतपुर, यहां पर 70 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो का बाजार चला है। सीकर में 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो। और जोधपुर में 15.5 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो तक का यहां पर बाजार चला है। तो अब बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात में सबसे पहले हम बात करेंगे राजसमंद की। तो यहाँ पर मंडियाँ आज स्थिर है, 16 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो। महसाणा स्थिर है, 15 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो। आनंद 2 रुपए गिरी है, 16 रुपए किलो आज यहाँ बाजार चला है। कपड़ा जो हम बात करें तो 4 रुपए की उछाल के साथ यहाँ 16 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो का बाजार हुआ है। दाहोद की बात करें तो 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो। बडवान की बात करें तो 17.5 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो का ये बाजार रहा है। अगर बात की जाए राजकोट की तो 17.5 से 19। सूरत में
15 रुपये किलो से लेकर 16.5 रुपये यानी 2 रुपये किलो का यहाँ उछाल कल के मुकाबले देखा गया। पादरा की बात करें तो पादरा में 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो का यहाँ बाजार चला है। अगर बात की जाए कि किसान साथियों आपके उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो गाज़ियाबाद में आज जो है 1 रुपये की उछाल के साथ गाज़ियाबाद की मंडी में आलू 14 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो बिका है। मुरादाबाद में 14 रुपये किलो से लेकर 15.5 रुपये किलो। प्रतापगढ़ में अगर बात की जाए तो 15 से 17 रुपये किलो। इलाहाबाद में G6, G4 हॉलैंड कंचन कुफरी मेगा 14 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो, और हॉलैंड की बात करें तो 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो। चिप्सोना यहाँ बिका है 19 रुपये किलो तक। बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो का बाजार रहा। 37.97 यहाँ 18 रुपये किलो तक बिका। बढ़िया का टपक का, मोटी टपक का, बढ़िया क्वालिटी का। अगर बात की जाए यहाँ कंचन कुफरी मेगा कुफरी संगम की, तो ये बिका है 16 रुपये किलो तक। अगर गुल्ला की बात करें तो गुल्ला बिका है यहाँ 11 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो तक, बढ़िया गुल्ला। अगर बात की जाए मैनपुरी की, तो मैनपुरी में चिप्सोना ख्याति पुखराज 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक बिका। 37.97 18 रुपये किलो तक बिका है। अगर बात करें सिरसागंज की, तो सिरसागंज में यहाँ 2 रुपये किलो का बजट आज टाइट हुआ है, यानी 16 रुपये किलो तक आलू यहाँ बिका है। हाथरस की बात करें तो 14 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो। अगर बात करें जौन खुर्जा की, तो 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक बिका है। फैजाबाद जालौन मवाना जलालाबाद और महमूदाबाद यहाँ पर आलू जो है आपका 16.5 रुपये किलो तक आज बिका है। रामपुर शिकोहाबाद अलीगढ़ बदायूं पीलीभीत रायबरेली हाइब्रिड 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो यहाँ बिके हैं। अगर आप आका हाइब्रिड है और कोल्ड स्टोर में सही दाम नहीं लग रहे हैं, तो आप इन यहाँ मंडियों में जाकर बेच सकते हैं। अगर बात की जाए आपकी गोरखपुर करनैलगंज नवाबगंज हरदोई बस्ती उन्नाव मथुरा लखीमपुर खीरी शाहजहाँपुर मोहम्मदी बिजनौर हापुड़ खैर यहाँ पर 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो का आज यहाँ बाजार चला है विभिन्न प्रजातियों का। अगर बात की जाए 37.97 की, तो 37.97 मेरठ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ 15 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो। औरैया में 15 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो। हाथरस में 17 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो। कन्नौज में 15 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो। और अलीगढ़ में 15 से 18। अगर बात कर लेते हैं इटावा में, तो 16.5 रुपये किलो तक का यहाँ बाजार चला है। अगर बात की जाए लखनऊ में, तो लखनऊ में 16 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो आज यह बाजार चला है। अगर बात की जाए आपके अन्य प्रजातियों के आलू की, जिसमें बेहतरीन जो चंबल वाला आलू होता है, तो चंबल की बात करें शिकोहाबाद की मंडी में चंबल आलू 37.97 16 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक बिका है। आगरा में 17 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो तक बिका है। और जो कहते हैं कि नीलकंठ आलू की कोई वो नहीं है, तो नीलकंठ आलू जो है माधोगंज और कानपुर में 17 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो तक बिका है। कानपुर में 40 किलो की तौल होती है, 40 से 45 किलो की, 50 किलो की तौल नहीं होती है, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स इस समय मिला है। और हॉलैंड आलू जो कि कानपुर और फर्रुखाबाद की मंडी में ही चलता है, जो कि 17 रुपये किलो से लेकर 18.5 रुपये किलो तक हॉलैंड आलू बिका है। बाराबंकी में हॉलैंड आलू 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक। अब चिप्सोना की बात कर लेते हैं, तो फर्रुखाबाद में 17 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो। मुरादाबाद में 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो। मुजफ्फरनगर में 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो। बिलासपुर में 17 से 21 रुपये किलो। आगरा में चिप्सोना जो है बेहतरीन वाला आलू चिप्सोना 18 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो। कन्नौज में चिप्सोना 17.5 रुपये किलो से 18.5 रुपये किलो। सहारनपुर में 17.5 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो। कानपुर में चिप्सोना की बात करें, चिप्सोना 1 या चिप्सोना 2, 3 फ्राई सोना हिमसोना ये बिका है 17 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो। मैनपुरी में हिमसोना फ्राई सोना और चिप्सोना ये बिका है 17 रुपये किलो से लेकर 18। मथुरा में 17.5 से 19 रुपये किलो। मेरठ में बिका है 18.5 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो। अगर बात की जाए दादरी शामली और बांगरमऊ की और हापुड़ की, तो यहाँ पर 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक का बाजार चला। तो ये थे देश विदेश भर के समस्त प्रजा आलू के मंडियों के भाव, जो कि सुबह सुबह अपडेट हुए थे। हालांकि इसमें 19-20 का अंतर दोपहर के समय पर हो सकता है, ऊपर नीचे ये चलता रहता है, लेकिन आज जो है काफी मंडियों में उछाल देखा गया। कारण है दोबारा से जो साइक्लोनिक सिस्टम विकसित हुआ है, जो कि कई राज्यों में सुबह से ही झमाझम बारिश आज भी हो रही है, कई जिलों में भी हो रही है, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आज भी बरसात हो रही है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए एक चैनल जो रचना जी ने शुरू किया है, G7 21 से जो प्रेसित है, ट्विन क्रैकर जो आप पट्टी देख रहे हैं, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुद देखिए। आप कहीं के भी उत्तर प्रदेश से हों या आप देश भर के किसी भी राज्य से हों, यहाँ पर
हर एक जानकारी आपको ऑथेंटिक और आधिकारिक रूप से प्रमाणित मिलती है। तो बिना देर किए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए पास में ही बेल का आइकन है यानी घंटा है, उसे जरूर दबाएं, क्योंकि जब रचना द्वारा जो वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलेगी। तो किसान साथियों, कैसी लगी वीडियो इस बारे में राय जरूर लिख के बताना। अगर आपके यहाँ से कोई मंडी का भाव रह गया हो तो उस मंडी का भी बताना, कल नेक्स्ट वीडियो में हम उसे भी जरूर शामिल करेंगे कि आपके यहाँ पर मंडियों में क्या स्थिति चल रही है। तो धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन शुभ।